गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर EVS क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 13। चैप्टर नेम इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स यातायात के साधन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड काइंड्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे। Now let's start the chapter. Dear children, do you know that in early days people used to walk from one place to another? प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि पहले के दिनों में लोग पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे? Because there was no any means of transport, क्योंकि पहले कोई भी यातायात का साधन नहीं था। So they did not go to very अफार ऑफ स्पेस, इसीलिए वह दूर स्थान पर नहीं जा पाते थे। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील मैन डेवलप्ड वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन व्हील मीन्स पहिया, पहिए के आविष्कार के बाद कई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन बने, जिससे कि इस समस्या का हल हो गया। Nowadays we use various means of transport with लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज के दिनों में हम कई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो यूज फॉर सेंडिंग एंड कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यातायात के साधन हैं, उनका उपयोग गुड्स मीन्स वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए भी किया जाता है। Here are some pictures of vehicles. These vehicles runs on land. ये vehicles जमीन पर चलते हैं। Tanker, bus and car. First we learn land transport. Means जो ज़मीन पर चलने वाले यातायात के साधन हैं। Bullock carts, tonga, camel carts, etc. are used in place. Bullock carts, टोंगा और कैमल कार्स जो ऊंट के द्वारा चलाई जाती है, वे ज़्यादातर ब्लेज मीन्स गांव में इनका उपयोग होता है। दिस व्हीकल्स आर पुल्ड बाय द एनिमल्स, ये जो व्हीकल्स होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा खींचे जाते हैं। द व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शास, बाइक, स्कूटर, ETC आर ड्राइव बाय द इंजन्स। कुछ व्हीकल्स जैसे कि ऑटो रिक्शा, बाइक, स्कूटर, ये सब इंजन के द्वारा चलते हैं। दिस व्हीकल्स आर जनरली यूज्ड विद इन अ सिटी फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इन व्हीकल्स का उपयोग छोटे डिस्टेंस मीन्स थोड़ी दूरी के लिए किया जाता है। अ बस कैन कैरी सेवरल पैसेंजर टू डिस्टेंस प्लेसेस। एक बस में काफ़ी यात्री आ जाते हैं, जो कि एक लंबी दूरी के लिए उपयोग की जाती है। द ट्रक एंड टैंकर आर यूज्ड फॉर कैरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टैंकर और ट्रक का उपयोग गुड्स मीन्स वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। बिसाइड दीज द ट्रेन इज द व्हीकल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट रन्स ऑन ट्रैक। इसके अतिरिक्त जो ट्रेन रेल है वो एक ऐसा व्हीकल है जिसका उपयोग लंबे ट्रैक मीन्स काफ़ी दूरी के लिए किया जाता है, और ये ट्रैक पर पटरी पर चलती है। अ ट्रेन हैज़ न्यूमरस कैरिज, इट कैन कैरी मैनी पीपल्स एट अ टाइम, वी कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बाय इट, गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे फ्रॉम अवे प्लेस बाय अ गुड ट्रेन्स। एक ट्रेन में काफ़ी लोग एक साथ एक ही समय में आ सकते हैं। एक लंबी दूरी के लिए ट्रेन का यूज़ किया जाता है। गुड्स वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए गुड्स ट्रेन्स चलती हैं, जिससे वो सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। सम ट्रेन्स रन अंडरग्राउंड, कुछ ट्रेन्स अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे चलती हैं। दे आर कॉल्ड मेट्रो ट्रेन्स, इनको मेट्रो ट्रेन्स कहा जाता है। मेट्रो ट्रेन्स रन्स इन दिल्ली एंड कोलकाता, मेट्रो ट्रेन्स दिल्ली और कोलकाता में चलती हैं। ट्रेन्स ऑल्सो रन्स ऑन रोड इन कोलकाता, ट्रेन कोलकाता में रोड पर भी चलती हैं। दीज ट्रेन्स आर कॉल्ड ट्राम्स, इन ट्रेन्स को ट्रम्स कहा जाता है। इन सम प्लेसेस एनिमल आर यूज टू ट्रेवल एंड कैरी गुड्स, कुछ स्थानों पर एनिमल्स का यूज़ किया जाता है गुड्स को कैरी करने के लिए।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कैमल्स आर यूज इन डिजर्ट एरिया। कैमल्स ऊंट का उपयोग डिजर्ट एरिया में जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया जाता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डिजर्ट भी कहा जाता है। म्यूल्स एंड पॉइंसेस आर यूज इन हिली एरियाज। म्यूल्स एंड पॉइंसेस का यूज हिली पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। एलिफेंट्स आर यूज इन डेंस फॉरेस्ट एरियाज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एलिफेंट्स मीन्स हाथी का उपयोग फॉरेस्ट मीन्स जंगल में लूट उठाने के लिए किया जाता है। रेलवे इज द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। रेलवे सबसे तेज और चीपेस्ट मीन सस्ता ट्रांसपोर्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट। इंडिया हैज़ अबाउट 6,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल एरियाज। इंडिया मीन्स भारत में लगभग 6,000 किलोमीटर कोस्टल एरियाज मीन्स तटीय क्षेत्र है। द पीपल हु लिव एलोंग द कोस्टल एरियाज लेक्स रिवर्स इटीसी। जो लोग इन कोस्टल एरियाज लेक्स और रिवर्स के पास रहते हैं यूज वेरियस काइंड ऑफ बोट्स टू क्रॉस द रिवर लेक्स इटीसी। विभिन्न प्रकार की बोट्स का यूज करते हैं इन रिवर्स और लेक्स को क्रॉस करने के लिए। द फिशरमैन यूज बोट्स टू कैच फिशेस फ्रॉम द सी। जो फिशरमैन होते हैं वो बोट का यूज़ करते हैं फिश मछली को पकड़ने के लिए समुद्र से। स्टीमर्स आर यूज टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू वाटर। स्टीमर्स का यूज़ किया जाता है पैसेंजर्स को और गुड्स को जो कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है लंबा डिस्टेंस होता है उसको पार करने के लिए थ्रू वाटर पानी के जरिए। यूज शिप्स कैरी पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बड़े शिप्स का यूज़ पैसेंजर को और गुड्स को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए किया जाता है। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज और महंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट ट्रेवल बाई द एयर ट्रांसपोर्ट। एक साधारण व्यक्ति एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकता है। एरोप्लेन्स आर यूज फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली। एरोप्लेन्स का यूज़ लंबी दूरी को शीघ्रता से तय करने के लिए किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द एयर लाइक बर्ड्स। आप एरोप्लेन्स को एक चिड़िया एक पक्षी की तरह आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं। ए बिग एरोप्लेन कैन कैरी 100 ऑफ पीपल्स एट अ टाइम। एक बड़े एरोप्लेन में हवाई जहाज में 100 पीपल्स एक समय में आ सकते हैं। सम एरोप्लेन्स आर यूज टू कैरी गुड्स। कुछ एरोप्लेन्स कुछ हवाई जहाज का उपयोग गुड्स को कैरी करने के लिए भी किया जाता है। दे आर कॉल्ड कार्गो प्लेन। उनको कार्गो प्लेन्स कहा जाता है। हेलीकॉप्टर्स आर स्मॉलर इन साइज। दे आर यूज टू रीच द प्लेस वेयर अदर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कैन नॉट लैंड सच एज हिली डिजर्ट स्नो कवर्ड एरियाज आइसलैंड ईटीसी। हेलीकॉप्टर का यूज़ ऐसे स्थानों के लिए किया जाता है जहाँ पर एरोप्लेन्स नहीं पहुँच पाते हैं जैसे कि हिली पहाड़ी क्षेत्र डिजर्ट रेगिस्तान स्नो कवर जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ऐसे एरियाज में इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। रॉकेट्स आर अदर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। रॉकेट एक अन्य मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दे कैन टेक मैन एंड मशीनरी इन टू स्पेस वेरी फास्ट। ये मैन व्यक्तियों को और मशीनरी को स्पेस में बहुत तेज़ी से ले जा सकते हैं। रॉकेट्स आर यूज टू सेंड मैन इनटू स्पेस टू द मून एंड टू स्टडी द अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स इटीसी। रॉकेट का यूज़ मैन को स्पेस में पहुंचाने के लिए चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए और स्टडी करने के लिए अदर जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि मार्स इसका स्टडी करने के लिए भी रॉकेट्स का यूज़ किया जाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वन विच ऑफ दीज इज द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। थ्री ऑप्शन दिए गए हैं आपके। इनमें से कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है। ऑप्शन आर ए बोट बी बस एंड सी रॉकेट। द राइट ऑप्शन इज बी बस। सो टेक केयर। सेकेंड द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता और तेज चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। ऑप्शन आर ए रेलवे बी बस एंड सी स्टीमर। द राइट ऑप्शन इज ए रेलवे। तो टिक हियर। थर्ड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इसमें इन ये ऑप्शंस दिए गए हैं ए रेलवे बी शिप एंड सी एरोप्लेन। इनमें से कौन सा फास्टेस्ट मीन तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। द राइट ऑप्शन इज सी एरोप्लेन। सो टिक हियर। नाउ बी राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट सही है उस पर आप
ट्रू टी लिखेंगे और जो गलत है उस पर फॉल्स एफ लिखेंगे। फर्स्ट, रिक्शा इज पुल्ड बाई एनिमल्स, रिक्शा को एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है, इट इज़ रॉन्ग टू राइट हियर एफ। सेकेंड, वी यूज बोट्स टू ट्रेवल ऑन रिवर्स, हम बोट्स का यूज़ करते हैं रिवर्स पर ट्रेवल करने के लिए, टू राइट टू राइट हियर टी। थर्ड, अ शिप इज मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, एक शिप मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, जमीन पर चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ रॉन्ग टू राइट हियर एफ। नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर वन, वाई डू वी नीड अ ट्रांसपोर्ट, हमें एक ट्रांसपोर्ट एक यातायात के साधन की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर, वी नीड अ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द यूज ऑफ रॉकेट, रॉकेट का क्या उपयोग है। आंसर, रॉकेट्स आर यूज टू सेंड मैन इन टू स्पेस टू द मून एंड टू स्टडी द अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स इटीसी। रॉकेट्स का यूज मैन व्यक्तियों को स्पेस में जाने के लिए, भेजने के लिए और मून पर जाने के लिए और स्टडी करने के लिए अदर प्लैनेट्स पर, जैसे कि मार्स पर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है। आंसर, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल्स गुड्स इटीसी बाई बैरिज बोट शिप ओवर अ सी लेक रिवर्स इटीसी। वाटर ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है जो लोगों को, व्यक्तियों को और वस्तुओं को मूव कराता है सी, लेक और रिवर्स से। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, कीप प्रैक्टिस एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू।